जाको राखे साइया मार सके ना कोई। यह लाइन गोरखपुर की इस निग्धा चटर्दी पर इस कोरोना संकट काल में जो यह विपत्ति पड़ी है उस पर यह फिट बैठती है। जब संकट काल में कोई मार्ग नहीं दिखता है तो मानव मनुष्य के रूप में ही सही भगवान कोई देवदूत मिल जाता है। बादल चतुर्वेदी मनीष और विश्वविजय सिंह के रूप में आपको बताते चले कि यह मामला गोरखपुर की स्निग्धा चटर्जी का है, जिनको थैलीसीमिया नामक बीमारी है, जिनको 15 दिन पर 2 यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती और यह बीमारी लाइलाज है और वह 2 यूनिट ब्लड कोई और देगा तभी उनको मिलेगा। इस कोरोना संकट में कोई 2 यूनिट ब्लड देने को तैयार नहीं था। एक अखबार और सोशल मीडिया से इसकी जानकारी प्रियंका गांधी वाड्रा को हो गई। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि कार्यकर्ता इस लड़की को जीवन को बचाने के लिए आगे आए और समाज में नजीर पेश करें कि हम इस कोरोना विपत्ति काल में भी किसी को असहाय नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें, थैलीसीमिया एक लाइलाज बीमारी है और इसका एकमात्र उपाय ब्लड को चढ़ाना है और इसका कोई उपाय नहीं है। स्निग्धा के पिता गोरखपुर लाइव से बातचीत में बताते हैं कि स्निग्धा को यह बीमारी बहुत पहले से है और इसके इलाज में काफी रुपया खर्च हुआ, लेकिन 2016 में केंद्र की मोदी सरकार ने इस बीमारी को विकलांगता में शामिल कर दिया, जिसके कारण उनकी बेटी का इलाज निःशुल्क होने लगा और दवा भी। उन्होंने कहा कि हम लोग चिंतित थे कि कैसे इसका लॉकडाउन में इलाज होगा, लेकिन अब चिंता वाली बात नहीं है। प्रियंका गांधी ने आश्वासन दिया है कि आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बादल चतुर्वेदी, विश्वविजय सिंह और मनीष कुमार की इस कोरोना जैसे महा आपदा की घड़ी में इंसानियत दिखाने के लिए प्रियंका गांधी ने प्रशंसा किया है। क्या कुछ कहा स्निग्धा, आप खुद ही सुन लीजिए। मैं स्निग्धा चटर्जी थैलेसीमिया मेजर बीमारी से पीड़ित हूँ। इस लॉकडाउन के दौरान मुझे अपने इलाज में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस लॉकडाउन में हिंदुस्तान के आशीष श्रीवास्तव सर ने एक खबर निकाली, जिसके कारण प्रियंका गांधी मैम की प्रेरणा से विश्वविजय सिंह सर ने अपने 2 साथियों के साथ बादल चतुर्वेदी और मनीष सर के साथ मेरे लिए ब्लड डोनेट किया और आगे भी मदद करने का आश्वासन दिया। साथ ही साथ मैं शैवाल शंकर सर, अमित पटेल सर, राजीव तिवारी सर को भी दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, जो मेरी इस लॉकडाउन के दौरान अभी तक मदद करते आए हैं। आखिर में मैं अपने परिवार जनों, मेरे पिता सना चटर्जी, मेरी माता निधि मिश्रा, मेरी बहन मुग्धा चटर्जी, मेरे मामा पंकज मिश्रा, मामी सुधा मिश्रा और मेरी बहन मितुल मिश्रा अथवा विशु मल्लिया मिश्रा को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो इस मेरी मुश्किल घड़ी में आज तक मेरा साथ देते हैं। प्रियंका गांधी और उनके कार्यकर्ताओं के प्रयास की चारों तरफ प्रशंसा हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने लोगों का साथ नहीं छोड़ा और यही कारण है कि उनके कार्यकर्ता कहते रहते हैं कि उनकी कार्य करने का तरीका इंदिरा गांधी से मिलता रहता है। आयुष द्विवेदी की रिपोर्ट, गोरखपुर लाइव।